बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि हम तो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, हमारे पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स है वो हमें मना करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं, तो हम क्या करें। तो सुनिए, आज मेरा जवाब ये है कि आप बहुत सी आपकी आदतें ऐसी होगी कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको मना करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो काम करते हो। जैसे कि आप मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो, कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलते हो, तो माँ बाप हमें बार बार मना करते हैं कि मत खेल, तू कुछ और कर, लेकिन फिर भी हम वो गेम खेलते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार लेट नाइट तक पार्टियां मत कर, जल्दी घर पे आ जा, लेकिन फिर भी हम लेट नाइट तक पार्टियां करते हैं और लेट नाइट घर पे आते हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि स्मोकिंग बंद कर दे, ड्रिंकिंग बंद कर दे, लेकिन फिर भी हम वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमाते हैं। मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स की इजाजत ना होने के बावजूद भी, उनकी परमिशन ना होने के बावजूद भी हम करते हैं। और अगर गलत चीज करने में हम इतनी डेयरिंग दिखाते हैं, इतनी हिम्मत दिखाते हैं, तो जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम अपनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं? पता है आपको क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हमें अंदर ही अपने आप पर एक शक है, एक डाउट है कि मैं लाइफ में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन आपके अंदर ये विजन आ गया, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है और मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, उस दिन आपके माँ बाप को आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, उस दिन आपके माँ बाप को आपके हर फैसले पर विश्वास होगा, और उस दिन आपके पेरेंट्स भी आपके साथ खड़े होंगे।